तो हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। हिंदू धर्म पर टिप्पणी के बयान को लेकर राहुल गांधी के समर्थन में उतरे शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वर आनंद, आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा सत्र के दौरान राहुल गांधी ने हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणी की थी, उसको लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस को जमकर घेरा था। कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताया गया था। राहुल ने जो बयान दिया था, बीजेपी उस बयान का जिक्र नहीं कर रही थी कि राहुल ने असल में क्या कहा था। बस हर बार की तरह इस बार भी तोड़ मरोड़ कर ही राहुल के बयान को पेश किया जाने लगा कि राहुल गांधी ने हिंदू समाज को हिंसक बताया। हालांकि जब आप पूरा वीडियो सुनेंगे क्या, आपने तो सुना ही होगा कि राहुल गांधी ने असल में क्या कहा था, लेकिन राहुल गांधी को किस तरह से बदनाम किया गया, उनके बयान को किस तरह से पेश किया गया, वो आपने देखा। आगे आपको हम बताएंगे कि राहुल गांधी ने कहा क्या था। जैसा कि आपने पहले भी राहुल गांधी का बयान सुना, लेकिन इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि राहुल गांधी ने कहा क्या था। अब राहुल गांधी के लोकसभा में हिंदू धर्म पर टिप्पणी को लेकर उनके समर्थन में शंकराचार्य भी उतर आए। जी हाँ, बता दें कि राहुल गांधी की हिंदू वाले बयान पर हो रही जमकर आलोचना के बीच शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के समर्थन में आ गए। उन्होंने कहा कि हमने राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना, वे साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। वे कहते हैं कि जब वो साफ कह रहे हैं कि हमने ऐसी कोई बात की ही नहीं और उनके आधे वक्तव्य को निकाल कर बदनाम किया जा रहा है उनको, और जो भी ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि जिस तरह से शंकराचार्य राहुल गांधी के समर्थन में आए हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी का प्लान जरूर फेल हो गया। प्लान राहुल गांधी और कांग्रेस को बदनाम करने का, हिंदू विरोधी बताने का। जरा आप भी सुनिए कि शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने राहुल गांधी के समर्थन में क्या कुछ कहा है, उसके बाद राहुल गांधी का वो पूरा भाषण आपको हम इस वीडियो में सुनाएंगे। देखिए, हमको जब कोई कहता है कि कौआ कान ले गया, तो हम पहले कान पे हाथ लगाते हैं कि है कि नहीं। अगर नहीं होता है तब हम कौए के पीछे दौड़ते हैं। ये जो बात आप बता रहे हो कि राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हिंदू धर्म के विरुद्ध बात कह दी, तो जब ये बात हमको बताई गई, तो हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है, और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है, उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है, उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं, उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा 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 नफरत फैलाते हो, तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था, हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही, इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं। तो सुना आपने, शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वर आनंद साफ साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कोई ऐसी बात कही नहीं थी और आधे वक्तव्य को पेश किया गया, और जिसने भी ऐसा कृत्य किया है, ऐसा काम किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको दंडित किया जाना चाहिए, ऐसा कहना है शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वर आनंद का। वही शंकराचार्य के इस बयान को कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि हमने राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना, वे साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान नहीं है, राहुल गांधी कहीं भी हिंदू धर्म के विपरीत बात नहीं कर रहे, राहुल गांधी के आधे वक्तव्य को फैलाना अपराध है, ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वर आनंद जी। राहुल गांधी के हिंदू धर्म वाले बयान को मिला शंकराचार्य का समर्थन, तो कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह पोस्ट किया। अब इस बयान को राहुल गांधी की आलोचना करने वाले तो नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि शंकराचार्य का राहुल गांधी के समर्थन में आना आलोचकों को जोर का झटका जरूर लगा है।
जी हाँ, अब आपको राहुल गांधी का वो बयान भी बताते हैं और सुनाते हैं जिसको लेकर जमकर सियासत हो रही है और शंकराचार्य को उनके समर्थन में आना पड़ा। आपको बता दें कि जब लोकसभा का सत्र चल रहा था तो उस वक्त राहुल गांधी ने बीजेपी पर देश में हिंसा, नफरत और डर फैलाने का आरोप लगाया था। राहुल ने दावा किया था कि ये लोग हिंदू नहीं है क्योंकि 24 घंटे की हिंसा की बात करते हैं, यानी कि बीजेपी को कहा था। सदन में राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू कभी हिंसा नहीं कर सकता, कभी नफरत और डर नहीं फैला सकता। राहुल ने कहा था कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं कि वो 24 घंटे हिंसा की बात करते हैं। आप यानी कि भाजपा को कहते हुए कहा था कि भाजपा हिंदू नहीं है। राहुल गांधी ने जब भाजपा पर यह आरोप लगाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताते हुए यह कहा कि कांग्रेस नेता ने पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा है। जब राहुल ने यह बयान दिया था तो पीएम मोदी ने खड़े होकर टोकते हुए कहा था कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ठीक नहीं है। इस पर राहुल गांधी ने खड़े होकर जवाब दिया था और कहा था कि नहीं जी हाँ, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के उस बयान पर यह जवाब दिया था। इस पर सदन में जमकर हंगामा भी हुआ था। पक्ष विपक्ष दोनों नेताओं के बीच जमकर वहां पर हंगामा हुआ था। सत्ता पक्ष के नेताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी को जमकर घेरा भी था। अब राहुल गांधी का वो बयान जरा आप भी एक बार सुन लीजिए कि राहुल गांधी ने कहा क्या था। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside Speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए, अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए अभय मुद्रा। ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो सुना आपने, हमने आपको दोनों बयान सुनाए, शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर आनंद किस तरह से राहुल गांधी के समर्थन में आए वो भी बयान आपको हमने सुनाया, और राहुल गांधी ने सदन में कहा क्या था वो भी आपको हमने सुनाया, पीएम मोदी ने क्या कहा वो भी आपने सुना। तो इस तरह से राहुल गांधी के इस बयान को लेकर जमकर सियासत हुई, उनके समर्थन में इंडिया अलायंस उतरा और एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं ने और तमाम लोगों ने राहुल गांधी के इस बयान की जमकर उनकी आलोचना की, और अब शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर आनंद उनके समर्थन में आ गए हैं पूरा भाषण राहुल गांधी का सुनने के बाद। जी हाँ, इस वीडियो में इतना ही, अब